हाय दोस्तों, तो कैसे आप लोग दोस्तों, एक और शानदार वीडियो लेकर आ गए। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो है L1 मिशन के बारे में, जो कि चांद चांद के बजाय अब मून पे लैंडिंग करने वाला है। इंडिया मून पे लैंडिंग तो नहीं करने वाला, मून पे जाने वाला है, और मून के आसपास जाके ऑब्जर्व करेगा क्या करने वाला है। पूरी डिटेल में समझेंगे इस वीडियो को, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करें। भारत अब चांद तक पहुंच चुका, अब है सूरज की बारी। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अब इसरो लॉन्च करने जा रहा है हमारा सन मिशन आदित्य L1। क्या है आदित्य L1? जैसे हमने चांद पर लैंड किया, वैसे हम सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते, तो ये मिशन होगा कैसे और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम ऐसे ही भारत के रियल अचीवमेंट्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं, लेकिन एक आसान भाषा। लेकिन फिर भी आप में से बस 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो किया हुआ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है, तो प्लीज वो सब्सक्राइब या फॉलो बटन क्लिक करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, क्या है आदित्य L1? 2 सितंबर 2023, ये भारत के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन हम हमारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या है आदित्य L1? आसान भाषा में समझते हैं, आदित्य मींस आवर सन। लेकिन ये L1 क्या है? L1 का मतलब है लग्रेंज पॉइंट। स्कूल में साइंस में न्यूटन की ग्रेविटी ने सबको सताया होगा, बाकी कुछ याद हो या ना हो, न्यूटन का थर्ड लॉ सबको याद होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। स्पेस में भी ये रूल फॉलो होता है। आसान भाषा में समझा जाए तो अगर सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी को अफेक्ट करती है, तो पृथ्वी की ग्रेविटी भी सूरज को अफेक्ट करती है। पृथ्वी और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे से टग ऑफ वॉर का खेल खेलते रहता है, और एक पॉइंट ऐसा होता है जहां दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे नाम दिए गए। L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो हमारे यूनिवर्स की ऐसी ब्यूटीफुल इमेजेस कैप्चर करता है। ये L पॉइंट स्पेशल होते हैं, और इसीलिए इन्हें स्पेस मिशंस के लिए चुना जाता है। होगा ये कि L1 पॉइंट पर होने वाला पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होगी। L1 सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए मानो एक फ्रंट रो सीट है, जहां से सूरज का 24/7 व्यू मिलता है। सोलर एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि L1 पॉइंट पर स्टडी रहने के लिए हमें सबसे कम फ्यूल लगता है, और इसरो वाले तो है ही एफिशिएंट। जब भी पैसे या फ्यूल बचाने की बात आती है, तो हमारा नंबर सबसे ऊपर आता है। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी उपकरण है, जिनमें से 4 सूरज को स्टडी करेंगे और 3 L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके उनके नाम यहाँ पढ़ सकते हैं। हम उनके फंक्शंस के बारे में फ्यूचर में एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। मिशन के नाम का मीनिंग समझने के बाद मिशन के ऑब्जेक्टिव्स मोर और लेस समझ ही जाते हैं। इस मिशन के थ्रू हमें सूरज और L1 पॉइंट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चांद पर लैंड करना एक बात है, सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते। सूरज के सरफेस का तापमान ऑन एन एवरेज 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चांद हमसे कुछ 3,80,000 किलोमीटर दूर है। सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन आदित्य L1 को इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम L1 पॉइंट तक ही जाएंगे, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी चंद्रयान से 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस हम इस मिशन में कवर करेंगे। लॉन्च को मिलाकर इस मिशन की कॉस्ट कुछ 400 करोड़ होगी। सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, लेकिन आदित्य L1 को इस L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 महीने लगेंगे, जहां चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों के लिए एक्टिव रहने वाला है। आदित्य L1 पूरे 5 सालों के लिए एक्टिव होगा। L1 पॉइंट पर हम अकेले नहीं है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोहो यानी सोलर हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट वहां ऑलरेडी मौजूद है। चैप्टर 2, सूरज इम्पोर्टेंट क्यों? अब आप सोचेंगे, वेट, चंद्रयान एटलीस्ट मून पर लैंड करने जा रहा था, तो वो वहाँ की सॉइल वगैरह जांच कर सकता है, वहाँ का टेम्परेचर देख सकता है, फ्यूचर में ह्यूमंस को वहाँ कॉलोनी बसाने के लिए इम्पोर्टेंट डेटा कलेक्ट कर सकता है। लेकिन आदित्य L1 ना ही सूरज पर लैंड करेगा, ना ही सन के ज्यादा करीब जाएगा। सूरज को देखना ही है तो गॉगल्स पहन के भी तो देख सकते हैं, तो सूरज के थोड़ा सा पास जाने से क्या फर्क पड़ता है? आदित्य L1 मिशन काफी लंबा है और उसके ऑब्जेक्टिव्स काफी इंटरेस्टिंग। उनमें से मेरे 3 फेवरेट ऑब्जेक्टिव्स की कहानी आपको सुनाता हूँ। नंबर 1, आदित्य L1 सूरज के कोरोना को स्टडी करेगा।
हमारी फ्यूचर ट्रिप्स प्लान करने में हेल्प करेगा। चैप्टर 3, ये मिशन इम्पोर्टेंट क्यों? चंद्रयान 3 भारत के लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि अब ये प्रूव हो गया है कि हम किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है क्रैश किए बगैर हम किसी पेलोड को सेफली वहां तक पहुंचा सकते हैं। अगर हमें फ्यूचर में ह्यूमन मिशंस प्लान कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी होगी। ये एक अलग किस्म का चैलेंज होता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत हाई होते हैं और फेलियर का चांस जीरो। इसीलिए हमसे पहले सिर्फ 3 देशों ने ही सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की थी, अमेरिका, रशिया और चाइना। देखा जाए तो ये तीनों इकोनॉमीज भारत से काफी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी कम बजट के बावजूद सॉफ्ट लैंडिंग करना और हमारे सारे पेलोड्स को सेफली चांद तक पहुंचाना इस बात की मिसाल है कि हमारे साइंटिस्ट किसी से कम नहीं। अगर आप हमारा चंद्रयान 3 का कवरेज देखना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आदित्य L1 इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये हमारा सबसे पहला सन फोकस्ड मिशन होने वाला है। हमसे पहले अमेरिका का पार्कर सोलर प्रो, ESA का सोलर ऑर्बिटर मिशन और चाइना का एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च हुआ। साथ ही साथ रशिया, जर्मनी, UK और जापान ने भी अपने मिशन लॉन्च किए हैं। यानी हर इम्पोर्टेंट देश ने सूरज का पृथ्वी पर होने वाला इम्पैक्ट स्टडी करने की कोशिश की है। भारत पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होने वाला है। सूरज सोलर मैक्सिमा यानी हाई सोलर एक्टिविटी और सोलर मिनिमा यानी लो सोलर एक्टिविटी के फेजेस से गुजरता रहता है। ये साइकिल्स हर 11 सालों में रिपीट होते रहते हैं, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पृथ्वी पर होता है। सूरज हमारी पृथ्वी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। 180 पेटावाट एनर्जी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है, जिसमें से 30% अब्सॉर्ब होती है और 70% रिफ्लेक्ट होती है। एनर्जी को ऑब्जर्व करना हमें एज अ स्पीशीज प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पेस अमीर देशों का खेल है, लेकिन विक्रम साराभाई एक विजनरी थे। उन्होंने इसरो इसी विजन से सेटअप किया है कि हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे और आपके डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने में करें। इसीलिए इसरो ने इनसैट सैटेलाइट्स डेवलप की, जिनसे टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट होता है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से हमारे नेचुरल रिसोर्सेस मॉनिटर होता है। पृथ्वी में होने वाले बदलाव के बारे में हमें पता चलता है। ग्राउंड वाटर डेटा किसानों तक पहुंचता है। वेदर पैटर्न्स डिटेक्ट होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। नाविक हमें नेविगेशन में मदद करता है। आज तक हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन से हमारे प्लैनेट के बारे में जाना। अब हमारे एम्बिशंस बड़े हो रहे हैं। अब हम दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज को भी स्टडी कर रहे हैं। हमारे झंडे को और ऊंचा ले जा रहे हैं। ये हर इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। अगर आप इसरो को आदित्य L1 के लिए विश करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ऑल द बेस्ट स्पैम कर दीजिए, क्योंकि आपको ये कार्टून तो याद होगा जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलयान के बाद लॉन्च किया था। शायद इस कार्टून को अब अपडेट करने की जरूरत है। जहां हम एलीट क्लब में घुसना नहीं चाहते, हम खुद अपने आप में एक एलीट क्लब बन चुके हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। Hey दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। दोस्तों ये वीडियो थी आदित्य एंड नेहू की, और इनके चैनल को लिंक मैंने दे दिया, जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत अच्छी, बहुत डिटेलिंग, बहुत रिसर्च वाली वीडियो बनाते हैं और मैं हमेशा इनकी वीडियो को फॉलो करता हूँ। ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाते हैं। और यहाँ पे बात कर लें इसरो की, तो भाई इसरो में तो कमाल करके दिखा ही दिया है, प्रूव कर दिया दुनिया को कि सस्ता तरीन मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया और उसके बाद उसको लैंड भी कराया, और इस टाइम वो अपने मिशन के ऊपर गामजन है, अपनी फोटोज ले रहा है, इंडिया की इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहा है। और इंडिया ने ये कमाल करके दिखाया, और चंद्रयान की वजह से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं पूरे के पूरे इंडियंस वाले इंडियंस। और अब L1 मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है यहाँ पे, और इससे आदित्य L1 मिशन जो है इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी सीखने को मिलेंगी, और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करने को मिलेंगी, खासतौर पे ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्या वजूहत है इसकी, इसके बारे में मिलेंगे। और ये मिशन सिर्फ 400 करोड़ के अंदर बनाया गया है। यार 400 करोड़ तो मतलब मूवीज़ कम आ जाती है। आप ये देखो कि आदि पुरुष जो मूवी आई थी उसमें 400 करोड़ तकरीबन कमा दिए थे, उसके फ्लॉप थी। इतनी बजट के अंदर ही उन्होंने पूरा का पूरा स्पेस मिशन कर दिया, तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और वो दुनिया को साबित करेंगे भाई वो उनमें वो बर्ड्स हैं, वो चीज़ें हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा हमने नहीं लगाते पर उसके बावजूद हम एफिशिएंट काम करके दिखाते हैं, एफिशिएंट रिजल्ट लेके दिखाते हैं, और दुनिया जो है वो हैरान है। और बहुत सारे स्पेस एजेंसी जो है वो इंडिया से कॉन्टेक्ट करेंगे कि भाई आप हमारा मिशन भी कम्प्लीट करें, आप हमारी सेटेलाइट्स लॉन्च करें। तो ये एक बहुत शानदार बात है कि एशिया में कोई इंडिया जैसा मुल्क जो कि
हमारे साथ आज़ाद हुआ और इतना डोमिनेटिंग हो गया कि दुनिया के आगे दिखा रहा है, प्रूव कर रहा है, और अपने टैलेंट और अपनी मेहनत के बिहाव पे। ये नहीं कि वहाँ पे कोई तेल दरियाफ हो गया था या ऐसा कुछ हो गया था, इंडिया ने बहुत ग्रेजुअली बहुत आराम आराम से तरक्की की है और इस टाइम वो प्रूव कर रहे हैं दुनिया के अंदर। आईटी सेक्टर के अंदर देखें तो आप ज़राअत के अंदर देखें तो स्पेस के अंदर देखें, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल हर चीज़ स्पोर्ट्स के अंदर आप देखें कमाल करते जा रहे हैं। और अभी एशिया फाइबोसाइड एशिया कप हुआ था वो भी इंडिया की हॉकी टीम ने जीत लिया, 11-a-side एशिया कप हुआ था वो भी इंडियन साइड ने जीत लिया, तो बहुत बड़ी बात है। अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुकाबला हुआ था उसमें नंबर 1 नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो के अंदर नंबर 1 रहे, नंबर 2 पे पाकिस्तानी रहे। अच्छा हर जगह नंबर 2 नंबर 1 पाकिस्तानी ये चल रहे होते हैं स्पोर्ट्स में तो। और क्रिकेट मैच अभी चल रहा था, क्रिकेट में भी बहुत अच्छी टीम है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इंडिया ने अपनी बिल्डिंग कर ली है हर चीज़ के अंदर ऐसा ऐसा, और उनके रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं इस टाइम। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा इसरो का ये मिशन आदित्य L1 मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग जैसे आदित्य ने कहा अभी ने कहा कि भाई आप यहाँ पे नीचे कमेंट में इसरो इज़ द बेस्ट आप कमेंट करके वायरल कर दें इसको, स्पैम कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी वीडियो में।